हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं IMPS, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर IMPS के माध्यम से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। ज़्यादातर लोगों की मेरे पास ये कमेंट आए थे कि भाई जो पैसे हैं वो हमारे ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि 4 दिन हो गए हैं पेंडिंग में या फिर 5 दिन हो गए हैं। इसी के साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर सही तरीका क्या है और आखिर आप किस तरीके से IMPS के माध्यम से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियोस में। तो वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक और चैनल पर है चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ में जो कि मैं आपको एक मेन टिप्स बताऊंगा, आप उस टिप्स के माध्यम से अगर आप पैसा करते हैं तो आप पैसे को डेफिनेटली ही अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर IMPS का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके आपको सिलेक्ट कर लेना है इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर जो अमाउंट है मेरी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1010.31 डॉलर हैं, ठीक है। तो इनके जो पैसे बन जाते हैं वो बन जाते हैं करीब 83-84 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा वो ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से सही तरीके से समझ में आए इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड। उसके बाद में अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपके यहाँ पर जितने भी डॉलर्स होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मेरी करेंसी है वो डॉलर में है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो मेरे 1010 डॉलर हैं और 0.31, और मैंने यहाँ पर IMPS के माध्यम से ही जितना भी पैसा मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है वो इसी के ही माध्यम से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे अच्छा है और इंडिया के अंदर चलता भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी बैंक है। उसके बाद में बैंक में खाते पर जो भी नेम है वो आप यहाँ पर नेम डालेंगे। उसके बाद में IFSC कोड डालना है। अब आपको यहाँ पर IMPS, ठीक है, यानी कि IMPS जो कि बैंक अकाउंट नंबर पहले था वो यहाँ पर IMPS जो कि वॉलेट नंबर भी डालने के लिए आता था, ठीक है। तो IMPS बैंक अकाउंट नंबर और IMPS वॉलेट नंबर क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं विस्तार से, ठीक है। IMPS वॉलेट नंबर वो होता है जो कि आपके बैंक खाते में जुड़ा हुआ होता है नंबर, ठीक है, जो कि आप उससे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं मिस कॉल देकर या फिर SMS करके भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो जो बैंक खाते में जुड़ा हुआ नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं IMPS वॉलेट नंबर, तो वो आपको वहाँ पर डालना होता है, ठीक है। पर अब वो ऑप्शन इसमें से हट गया है तो आपको सिर्फ यहाँ पर IMPS जो कि बैंक अकाउंट नंबर ही डालना होता है। तो जो आपका खाता नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी के साथ में आपको मैं एक बात यहाँ पर और भी बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पर 600 डॉलर तक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो मेरे डॉलर है वो आप ऊपर में देख पा रहे हैं यहाँ पर है 1010.31 डॉलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जो 2 ट्रांजेक्शन्स में इस अमाउंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा अपने अकाउंट में, ठीक है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 500 डॉलर सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि एंटर कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी मेल आईडी है उस पर एक कोड जाता है, तो वो कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप कोड एंटर कर देते हैं फिर आपको विड्रॉ का ऑप्शन नीचे देखने को मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा कंग्रेचुलेशन, ठीक है, यानी कि विड्रॉ रिक्वायर्ड सक्सेस। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर दूसरा भी ट्रांजेक्शन लगा दिया है, यानी कि मेरे जो अकाउंट है उसमें जो अमाउंट रह गई है वो रह गई है 510.31, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले 500 का लगाया था, उसके बाद में अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा ट्रांजेक्शन। तो मैंने 510.31 का ये टोटल ही मैं यहाँ पर लगा दूंगा। उसी तरीके से हम सारी डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया है, नेम अपना डालेंगे, IFSC कोड, बैंक, और इसी के साथ में
यहाँ पर जितनी भी आप यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डालेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई आपका जो बैलेंस है वो तो ऊपर जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक तो अकाउंट होता है जो आपका मैन अकाउंट होता है यहाँ वाला, ठीक है। तो इस अकाउंट को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं $510 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में उसी तरीके से हम यहाँ पर दोबारा अपना यहाँ पर कोड डालेंगे जो कि ईमेल पर जाता है। काफी लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि जो कोड है वो उनका जाता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं, कोड है वो जाता ही है, पर वो कोड आपका स्पेम में चला जाता है बाजी टाइम, ठीक है। तो आप अपनी स्पेम वाली जो ऑप्शन है उस पर जाके चेक जरूर कर लें इस चीज के लिए, ठीक है। तो आप वहां से उस कोड को यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसके बाद में विड्रॉ पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो कोड है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम विड्रॉ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कंग्रेचुलेशन विड्रॉ रिक्वेस्ट सक्सेस, ठीक है, यानी कि क्रेडिट। तो अब जो अमाउंट है मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद में अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और किस तरीके से मैंने यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर विड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट ये देखने को मिलता है, दूसरा अकाउंट ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अकाउंट आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करके। तो आपको ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गई कि सिंपली क्लिक करेंगे और यहीं से ही आप ऊपर वाली अमाउंट के लिए यहाँ पर ला सकते हैं, फिर आप यहीं से ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं $510.31 और इसी के साथ में $500 जो कि मेरे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं विड्रॉ के लिए, ठीक है। तो जो पैसा है मेरा अभी यहाँ पर विड्रॉ नहीं हुआ है, विड्रॉ हो जाएगा तब आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि $510 और ये $500 ये कि मेरे खाते में पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि खाते में कि आपको टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट है मेरी यहाँ पर विड्रॉ हुई भी है और ये टोटल क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। तो IMPS एक बहुत ही अच्छा मेथड है और आप उसके जरिए पैसे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपका यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको मेरा प्रोमो कोड यूज अगर आपने कर रखा है तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, इसी के साथ में मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने व्हाट्सएप का, ठीक है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं मैंने कितनी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर की है, ठीक है। अब जो अमाउंट है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि $510 और इसी के साथ में $500, ठीक है। और देख पा रहे हैं जो $510 थे वो ऊपर वाली अमाउंट है ना, सॉरी नीचे वाली अमाउंट है, और जो कि $500 थे वो ऊपर वाली अमाउंट है, ठीक है। तो आप इन्हें यहाँ पर गुणा भाग भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं IMPS का भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आती है जो आपका पैसा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है तब, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होता है, पहली बात तो अकाउंट किस तरीके से वेरीफाई करना होता है, आपको सिक्योरिटी को यहाँ पर मेल करना होता है, ठीक है। और वो आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। अगर आपने मेरा यहाँ पर प्रोमो कोड यूज किया है तो आपकी आईडी मेरे पास होगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, या फिर आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।